सर आप सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से दीपावली की सर बधाई। सर आपसे कहना यही है कि हमारे विक्रम भैया तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और सर बस हम महिलाओं का आप ट्रांसफर करा दीजिए और सर कुछ नहीं कहेंगे हम। बाकी तो भैया बहुत कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं, अब क्या कहें हम सर। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा। सर पीड़ा बहुत है सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज आपकी? सर हम अपनी पीड़ा आपसे, सर हम आपको कई बार फोन भी कर चुके हैं, आप तो सर जानते हैं हम बहुत पीड़ित हैं। सर हम बहराइच में रहते हैं रूम लेके, अब सोचिए सर हम दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, लग रहा है कि अब नहीं कुछ कर पाएंगे, क्या किया जाए सर। अब तैयारी भी नहीं होती है, एक पैर वहां एक पैर यहां, ससुराल में एक पैर वहां, रूम पे स्कूल में, बच्चे संभालें, क्या क्या करें सर बताइए। नहीं परेशान मत होइए, मैं आपकी समस्या समझ कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि अब क्या किया जाए। 20-25 बार आप हमें भी फोन कर चुके सर, बस अब ट्रांसफर करा दीजिए किसी तरीके से, बस और कुछ नहीं सर। बाकी लड़ाई भैया लड़ रहे हैं, उनके साथ हैं हम लोग, बहुत दर्द है सर। आप रोने भी नहीं देते हैं कि रो नहीं, भावुक ना हो, क्या किया जाए सर, किससे कहें पीड़ा। रोके भी और आप ही एक ऐसे हैं जिन्होंने पीड़ा को सुना है, बाकी कौन हमें जानता है। परेशान मत हो, समस्या तो क्या किया जाए। मैं भी तो पिछले एक वर्ष से रो ही रहा हूँ सरकार के सामने, आप सबको साथ लेकर, लेकिन उन्हें रोना दिखता नहीं सर। आप ही हैं हम लोगों के मसीहा है सर। बाकी जो लोग सर ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, उन्हें कुछ नहीं पता सर, वो लोग अब क्या कहें, अब कुछ कहने भर का नहीं है। प्लीज हम जैसे अनुदेशक रहे हैं सर इसमें, हम जैसे लोग परेशान है। जो महिलाएं बाहर की है वहाँ हेडमास्टर शोषण कर रहा है, लोकल के लोग तो अपना काम कर ही लेते हैं सर, हम लोग तो बस ना सीएल बचती है, अब्सेंट भी होते हैं, घर चले आओ, कभी बच्चे की दिक्कत, खुद को दिक्कत, कितना पैसा कटा और रूम का किराया देना ही देना है सर। हम क्या कहें आपसे, बहुत दर्द है सर। उन हंसों के बीच में हम कौवे फंसे हुए हैं सर। बाहर के इतने सारे शिक्षक हैं, उनके चक्कर में हम लोग को रूम भी नहीं मिल रहे, 3,000-4,000 से नीचे कोई रूम नहीं दे रहा है। अब बताइए सर क्या करें, कहाँ रहें जाके, हम नौकरी छोड़ दें तो फिर इन डिग्री का क्या मतलब है सर, वो भी नहीं कर सकते, तैयारी कर नहीं सकते, क्या करें बताइए सर, किससे कहें जाके, कोई नहीं सुन रहा है सर। अब आप ही हैं सर और कुछ है नहीं हम लोग के पास, कोई उम्मीद नहीं, नहीं है। नहीं, मैं आपका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे मेरा कुछ हो जाए। हम हैं, सिंह साहब हैं, सुरेंद्र सर हैं, कौशिक जी ऐसे हैं, हम 4-5 साथी, किसी कीमत पर आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करिए। लड़ाई लड़ी है तो आर पार कर। नहीं सर बिल्कुल मत छोड़िएगा सर, नहीं हमारे साथ कोई नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। बस रोला मत तो, बस इतना हिम्मत बनाए रखो कि चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। मैं समझ रहा हूँ आपकी पीड़ा, आप फोन पे भी रोती हो, मुझे बड़ा परेशानी होती है क्योंकि मैं किसी के आंसू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि सर, मेरे साथ आने वाला हट गए। नहीं आप हो हमारे साथ जुड़ी हो, आपका मोबाइल तिरछा हुआ। जी जी सर, सर मेरे पास फोन नहीं, बड़ी मुश्किल से सर, अब हम क्या बताएं आपको सर। सर कोरोना टाइम में मैंने फोन लिया था किसी तरीके से बच्ची पढ़ने के लिए, मेरी बच्ची मेरे हस्बैंड के साथ रहती है, मेरी फैमिली में हम ही हस्बैंड वाइफ बस बच्चे सर और कोई नहीं। अब बताइए क्या करें, किससे है पीड़ा। ये हिटलर और मुसोलिनी बेटी सर 1 महीने की थी जब हमने ज्वाइन किया था। मेरी रविशंकर अब बहुत परेशान है, सुमन ने इतने फोन मुझे किए हैं, विक्रम सिंह ने कई बार। अरे कुछ कहिए मत सर, तो प्रणाम करता हूँ। लखनऊ में ड्यूटी बहराइच में, परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर ड्यूटी करना, ड्यूटी भी बहराइच से करीब 80 किलोमीटर आगे जाती है, तो मैं तो प्रणाम करता हूँ ऐसी। इनकी इनकी आंख का पानी मर गया है सर, आंख का पानी, पता नहीं किस परिवार किस खानदान से, कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन ये इनकी आंख का पानी मर गया है सर, चला नहीं जाता है। बताइए रविशंकर जी, गुस्सा मत कहिए, गुस्सा मत कहिए, गुस्सा करने लायक कुछ बचा नहीं है, गुस्सा मत होइए। आंख का पानी मर गया है और कुछ नहीं, आंख का पानी मर गया है।
और रोने से बचाने के लिए सिर्फ उसे बचाए हुए हैं ये कह के कि हम रोने नहीं देते हैं, बाकी क्या रो रही है बैठी। अब सरकार को ये समझ में नहीं आता है क्या ये राष्ट्र उद्धार करेंगे, ये करने वाले हैं राष्ट्र उद्धार? नहीं समझ रहा है सर, किसको समझाए सर, अब नहीं हो रही। आप सर हम आपसे कैसे बताएं, सोचिए सर, हेडमास्टर को भी लगता है, लोग बाहर के हैं। अब हम इतनी जिस गांव में मेरा स्कूल है वहां रूम ले लिए सर, जहां पार्ले बिस्किट भी नहीं मिलता है। इधर अभी हम 5 तारीख को पानी में भाग के गए, फिर भाग के आए, मतलब मेरा इतना छोटा बच्चा है, क्या बताएं। गुस्सा मत करिए प्लीज, प्लीज मत गुस्सा करिए, गुस्सा मत होइए। मैं समझ रहा हूँ आपका कि जब कोई आदमी अपने से बीच का कोई बेहद परेशान है, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है। हम कहते हैं हमने सारे गांव इंटरनेट से जोड़ दिए, हम कहते हैं हमने सारे गांव बिजली से जोड़ दिए। कल मैंने खबर लिखी है, 75 वर्ष में पहली बार बिजली पहुंची है एक गांव में। मन अभी और सर आपको बताएं, 10 साल में सोचिए, बिस्किट नहीं मिलता है और तो मिलेगा। हाँ सर मैं भुक्त भोगी हूँ सर, मेरे स्कूल के पास जो एक मार्केट लगती है साप्ताहिक, मैं वहां से रसोइया से सब्जी मंगाती हूँ सर, नहीं तो फिर बीच में मुझे कुछ मिलना नहीं है वहाँ उस गांव में, क्या करूँ सर। बच्चा मेरा रोता रहता है, मम्मी घर चलो घर चलो, लाइट चली जाती है 5-5 दिन वहां लाइट नहीं रहती है, किस तरह हम रहते हैं सर, हमसे पूछिए। वो ऐसी कमरों में रहने के लिए क्या जाने हमारा। आज जितने तनख्वाह जितने अध्यापक प्रधान अध्यापक हमारे शिक्षक, और आपको बताएं सर हमारा हेड, अगर सोचो क्या बताएं आपको, 5 मिनट अगर कभी किसी कारण बस, पहली बात तो हम लेट स्कूल नहीं जाते, वहां हम एक ही काम से रहते हैं सर, हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं, भगवान को जवाब देने लायक हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों का दोष नहीं है सर, दोष हमारी किस्मत का है, और हम क्या कहें सर, किसको दोष दें। किस्मत ने पढ़े लिखे आप इतनी होशियार हो गई, सारी डिग्रियां ले ली, मत रोइए सर, वही तो गलती हुई, इससे अच्छा इतना ना किए होते सर, तो कम से कम हम भी औरतों तरह घर में ही तो रहते, हम कहीं के नहीं हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे की तैयारी करे कहीं निकल जाए। एक बात हो जाए, मत गुस्सा करिए, मैं समझ रहा हूँ आपको, आप सुमन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा में आ रहे हैं, मत करिए गुस्सा, कोई वो नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। जी सुमन जी, जी सर वही कह रहे हैं सर, सर सोचिए हम अपने अभी कार्य हमारे अनुदेशक सभी कर रहे हैं, कामों को कहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्या करें सर, हमको जो जिम्मेदारी मिली हम निभा रहे हैं सर, हमारे बच्चे और स्कूल के बच्चे कोई भी अंतर नहीं सर, प्राइवेट भी पढ़ाते थे अपने शादी के पहले। आप पानी पीजिए पहले, पानी सर, हमको लगभग अनुदेशक और प्राइवेट मिला के 15-16 साल हो गए, तो हम अपने बच्चों और स्कूल के बच्चों में सर कोई अंतर नहीं रहता, उन बच्चों के बीच बहुत घुले मिले, स्टेट लेवल तक सोचे लड़की हमारे अगर शारीरिक शिक्षा में आ जाती है सर, तो अब जेंट्स तो लेके नहीं आएगा ना, फिर हमें आना पड़ता है उन बच्चों को लेके सब तरफ जाना आना, अपने बच्चे को साथ बांधे बांधे घूमना, ऊपर से क्या बताएं सर कितनी पीड़ा है, कुछ नहीं कह सकते हम। चलिए पहले पानी पीजिए आप, बहुत मेहनत करते हैं, मत रोइए मत रोइए मत रोइए, त्योहार मत रोइए प्लीज, आगे पीछे फिर हम एक दिन सुन लेंगे ये सब बातें, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज त्योहार है और बात बिल्कुल आपकी जाहिर है। सोचिए सर आज स्कूल खोल दिया, अब आप सोचिए कैसे हम यहाँ से स्कूल कैसे पहुँच जाए, हमारी सीएल तो चली ही जाएगी, बर्बादी हो जाएगी हमारा, तो अभी तक सर मान के चलिए 10 सालों में 1.5 लाख के ऊपर मेरा पैसा कटा होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, बस हस्बैंड और हम और हमारे 2 बच्चे, हस्बैंड को सर फीवर आता है तो भी हमें भाग के आना पड़ता है, अब वहां से यहाँ आने में 1000 रुपए मेरे किराया लग जाते हैं आने जाने के, हम कैसे सर मैनेज कर रहे हैं, कैसे जिंदा हैं, कहने को लोग कहते हैं आप कुछ लखनऊ में कर लीजिए, सर कैसे कर लें, बच्चों को लेके प्राइवेट नौकरी कहाँ भटके जाके, या तो हस्बैंड की इतनी अच्छी इनकम हो। चलिए सुमन मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूं और बिल्कुल आपकी बात को प्राथमिकता पर रखूंगा,